जहां मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री अवधेश कुमार गोस्वामी ने अनेक अभियान चलाए। बता दें कि स्थानीय स्तर के मादक द्रव्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ रणनीति के अनुसार व्यापक कार्रवाई की कार्ययोजना तय की गई थी। जिले में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए और अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। करोड़ों रुपए में से अधिक का मादक पदार्थ जब्त करते हुए पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सफेद रंग की बोलेरो में विक्रय के उद्देश्य से गांजा लेकर शहडोल की तरफ जा रहे थे और इसी सिलसिले में एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गांजे तस्करों, ऑर्गेनाइज्ड गांजा तस्करी के खिलाफ शहडोल पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी कड़ी में हमने एक और गिरोह पकड़ा है। 9 लोगों का गिरोह था जो कि 3 गाड़ियों में संगठित रूप से करीब कुल 5 क्विंटल 40 किलोग्राम के करीब गांजा लेके अलग अलग गाड़ियों में लेके निकला था। उसको हमने जो है वो कैच किया। पहले अमलई में पकड़ी गई गाड़ी एक, उसके बाद में फिर और इन्फॉर्मेशन डेवलप करके बाकी 2 गाड़ियां कोतवाली और सुहागपुर में पकड़ी गई हैं। एक बुलेरो, एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप गाड़ी है और कुल मिलाकर इसमें सम्मिलित रूप से 5 क्विंटल 40 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है, बरामद हुआ है। 93,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। इसका जो मुखिया था, किंग पिन था, जो कि 10 बार पहले भी NDPS में बंद हो चुका है, जो कि इसका सबसे बड़ा तस्कर है दिगंबर राठौर अनूपपुर का, वो भी पकड़ा गया है। और उसके अलावा कुल मिला के 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए।